पहुंच गए घर। 1.5 घंटा लगा है नाला सुपारे से यहाँ पे आने में, ना ये अपना फाउंटेन का ट्रैफिक ना बीच का। हेलो, क्या हो रहा है? टीवी दिख रही है। क्या किया दिन भर? कुछ तो लो थी आज, इसलिए मेरे ब्लॉग्स भी आ गए 2-3 दिन से थोड़ी ढीली। होता है। कोई नहीं, आ जाएंगे। क्या करने में लगी हुई है? कल की तैयारी हो गई? अभी नहीं। क्यों? आपकी तबीयत ठीक हो जाए फिर जाऊंगी या नहीं जाऊंगी अभी पक्का नहीं। मैंने अभी वही अनुषा को भी मैसेज किया कि पक्का नहीं कि मैं कल आऊंगी। किस खुशी में? ऐसे ही किस खुशी में? क्या मतलब, कोई खुशी होगी तभी लाऊंगी। देखो, एक तो वैसे ही वक्त कम मिलता है, मैं सुबह निकल जाता हूँ रात में आता हूँ, और वैसे भी इंसान को ना ये सारी चीज़ें कभी कभी करते रहना चाहिए, सामने वाले को जाहिर करते रहना चाहिए कि यस, आप हमारी लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट हैं, हमें आपसे बहुत प्यार है, और ये होता रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग, कई लोग बोलते हैं ना कि अरे प्यार जताया नहीं जाता। नहीं, प्यार जताया जाता है और जताना चाहिए। है नहीं? कौन आया? दीपिका बहुत ही ज़्यादा लो फील कर रही थी 2-3 दिन से, इसलिए उनके व्लॉग भी नहीं आ रहे थे। शोएब आ गए हैं उनको पैम्पर करने के लिए। अब जैसे कि आप सब जानते हैं कि शोएब एक ऐसे इंसान हैं जिनको बेस्ट बेटे के रूप में, बेस्ट भाई के रूप में और बेस्ट हस्बैंड के रूप में देखा जाता है। इंशाल्लाह माशाल्लाह आने वाले टाइम में उनको बेस्ट पापा के रूप में भी देखा जाएगा, एक नहीं 2-2 बच्चों के पापा। जी हाँ, ऐसा बोला जा रहा है। दीपिका को देख के लगता है कि शायद उनको कोई अनहोनी ना हो जाए, इसका डर है, लेकिन उनको ट्विंस प्रेगनेंसी ही है। माशाल्लाह अगर ऐसा हो तो बहुत ही खुशी की बात है, एक लड़का और एक लड़की, और इन दोनों की फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप भी इस बात से एग्री करते हो तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जाने से पहले दीपिका शोएब उनके आने वाले बेबीज़ के लिए ढेरों सारी दुआएं करना मत भूलना।